नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए ले चलते हैं हम आपको उप स्वास्थ्य केंद्र मंडार, जहां पर COVID-19 वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। ये टीके उन लोगों को लगाए जा रहे हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर के साथ साथ 50 वर्ष की उम्र के ऊपर के लोग हैं, उन सभी पुरुष महिलाओं को टीके लगाए जा रहे हैं। BLO अपने अपने स्तर पर सभी लोगों को सूचना दे रहे हैं और उन्हें यहाँ पर आकर टीके लगवाने की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। जो भी टीका लगवाने के लिए उन्हें सूचना दी गई थी, वो सभी लोग अस्पताल परिसर में पहुँच गए हैं और टीके की तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ, हम आपको अंदर का दृश्य बताते हैं। ये पूरा स्टाफ है, टीकाकरण कर्मी हैं, जिसमें ANM, GNM और आशा कार्यकर्ताएं हैं। सबसे पहले मन की आवाज़ न्यूज़ के संपादक अमृत सेन ने सबसे पहला टीका लगवाया, उसके बाद प्रवीण सुराना, और उसके बाद में उन्हीं के छोटे भाई प्रवीण सुराना, जो कैलाश सुराना के नाम से जाने जाते हैं। इसी क्रम में फिर लोग आते गए और टीकाकरण चलता रहा। और हम आपको बता दें कि हमने वहाँ पर कार्य करने वाले GNM, ANM सभी से बात की। उन्होंने कहा कि यह टीका सुरक्षित है और सभी को लगवाना चाहिए। किसी भी रूप में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही कोई लक्षण होते हैं, जिस तरह से जैसे कई टीके लगाते हैं उसके बाद में बुखार आना या दर्द रहना, उसके जो सिम्टम होते हैं सक्सेसफुल के, इसके किसी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं है जिससे ये किसी तरह की कोई संभावना हो कि भाई रिएक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो सभी को टीके लगवाने चाहिए। हमने भी टीका लगवाया, आप भी जरूर लगवाएं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर फिर वापस कोरोना अपना सर उठा रहा है और वहाँ की सरकार ने सख्त होते हुए ये आदेश कर दिया कि जो भी बाहर से आएगा वो कोविड का सर्टिफिकेट लेकर ही आएगा, तभी उसे अंदर एंट्री दी जाएगी। ये देखिए, ये प्रवीण सुराना टीका लगवा रहे हैं, उसके बाद में उनके भाई कैलाश सुराना और उनकी धर्मपत्नी ने भी टीका लगवाया COVID-19 का। और सभी को यह टीका लगवाना बहुत ही ज़रूरी है और लगाना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। किस समय ये कोरोना अपना सर उठाना शुरू कर दे, तो सभी से निवेदन है। हमने इस वैक्सीनेशन के मामले को लेकर वहाँ के स्टाफ और वैक्सीन एक्सपर्ट GNM से बात की। क्या कहा उन्होंने, हम उनकी जुबानी सुनेंगे। किस तरह से उन्होंने अभी तक 400 टीके लगाए हैं, और ये जो स्टाफ है, ये मंडार अस्पताल का स्टाफ है जिनका दूसरा टीका है, यानी फाइनल टीका है। तो आइए सुनते हैं हम ANM सुविधा को, क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ में हैं ANM सुविधा, जो वैक्सीनेशन एक्सपर्ट हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इन्होंने अभी तक कितने टीके लगाए और कब से लगाए, और आपका दूसरा टीका है, ठीक है, बताइए सुविधा जी कि अभी तक आपने कितने टीके अपने हाथों से लगाए। मेरे हाथों से मैंने 400 टीके लगा दिए अभी तक। उसमें कुछ कहीं कुछ किसी तरह का रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं, किसी किसी के तरह कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब आपको कैसा लगा कि ये लगाना चाहिए लोगों ने, और ये लगाना चाहिए। सरकार इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं कर रही है? उन्होंने जो इतनी खर्च करके महंगाई वैक्सीन अपने यहाँ से सरकारी इतना निःशुल्क उनको दिया जा रही है, तो वो सबसे बड़ी बात है। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसमें निःशुल्क वैक्सीनेशन मिल रहा है। अब प्राइवेट में जा रहे हैं तो ये मुश्किल भी है, और इससे इम्यूनिटी भी तेज होती है, आगे कोरोना होगा नहीं, उनके लिए बेस्ट उपलब्धि का काम है वैक्सीन। मतलब जैसे अभी रिवाइज हो रहा है महाराष्ट्र में, तो अगर राजस्थान में भी होने की संभावना, तो उससे बचा जा सकता है, उससे बचाव होता है, ये बचाव के लिए, बचाव के लिए। आराम से धन्यवाद।
खाली बस कौन है सब एकदम ठीक है रखूंगा फड़कने करो हाथ नारायण भाई थर दे रहे हो हाँ वजय राम जी।